इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहां ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और केवल लड़ नहीं रहे, अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू ये लोगों को ठगती है, इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पर ही संदेह है, राहुल गांधी को उन्होंने झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्यप्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और मैडम प्रियंका गांधी जवाब देना पड़ेगा आज, आपके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों से कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे घर में हमारी सरकार आएगी, चूल्हा नहीं जलने देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का यही सोचे कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाए? हम तो नहीं मरने देंगे, लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़कर पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। दो पार्ट हो गए कांग्रेस के, दो पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटा और बेटी को सेट करना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। जनता बिचारी कहां जाएगी? हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दीजिए। कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बड़ा बयान आया कि आप सरकार बनेगी, आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह पैदा हो गई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूँ, जो जवाबदारी पार्टी सौंपती है वो पूरी करता हूँ।